पांडे टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे किसानों के समर्थन में उतरे शिव सैनिक किसानों की मांगों को लेकर राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। आपको बता दें कि मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा पर बुधवार को शिव सेना के प्रदेश महासचिव धर्मेंद्र तोमर मुरादाबाद पहुंचे, जहां वे किसानों के समर्थन में बैठे और कहा कि शिव सैनिक किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। धर्मेंद्र तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार तानाशाह हो चुकी है। जिस किसान को खेतों में काम करना था वे सड़कों पर बैठा है। काफी महीने बीत गए हैं लेकिन सरकार द्वारा किसानों की मांग पूरी नहीं की गई है। इसी के चलते जहां जहां किसान भाई बैठे हैं हम उनके समर्थन में वहां पहुंच रहे हैं, उनकी मांगों को उठा रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने आज जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि वे केंद्र सरकार द्वारा किसानों की मांगों को पूरी कराएं और धरना समाप्त कराने की कृपा करें। जी बस आज मुंडा पांडे आप जिन आए हैं, क्या है पूरा मामला? मुंडा पांडे आज हमारे माननीय प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय धर्मेंद्र तोमर जी, माननीय विभिन्न भट्टाचार्य जी, शिक्षा मंत्री समस्त पदाधिकारी का, हमारे राष्ट्रीय स्तर पर के प्रदेश स्तर पर भी लगातार किसानों के लिए आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन जिस दिन से शुरू हुआ उस दिन से ही शिवसेना इस आंदोलन में किसानों के तरह पूर्ण रूप से सड़क से लेकर संसद तक हर तरह से साथ है। इसमें माननीय हमारे जो संजय राउत साहब हैं, सांसद भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, वो बीच में माननीय राकेश टिकैत साहब से मिलकर वहाँ पर भी समर्थन लेकर के आए थे। शिवसेना में लगातार और हम सब लोगों की भी जब किसान आंदोलन तेजी से शुरू हुआ तो हम सब लोगों को भी हम मेयरमेंट अपने अपने घरों में करा गया और हम सब लोगों की गिरफ्तारियाँ भी हुई। हम सब लोगों ने इसमें आज जिस तरह का ये माहौल बना दिया है इस सरकार ने कि किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो हमारा सबका फिर से राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर ये तय हुआ कि जहाँ जहाँ किसान धरनों पर क्षेत्रों में जिलों में बैठे हुए हैं उन पर प्रदेश स्तर के नेता जाएंगे, समर्थन भी देंगे और जो भी लड़ाई लड़ने को किसान तय करेंगे उस लड़ाई में शिवसेना पूर्ण रूप से सड़क से लेकर हर तरह की भूमिका धरने से लेकर के भूख हड़ताल से लेकर के अगर कोई सी भी चीज़ आप जो किसान तय करेंगे इसमें उसका पूर्ण समर्थन भी करेंगे और पूर्ण रूप से भागीदारी भी रहेगी। और हमारा अगला कदम जो शिवसेना का है वो ये, अगर इसी तरह की किसानों की बात को नहीं सुना गया तो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनका घेराव भी किसानों को लेकर के करा जाए। लगातार किसान आंदोलन चल रहा है और किसान धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों की मांगों के विषय में सरकार केवल टालने का काम कर रही है, मानने का काम नहीं कर रही है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार तानाशाह हो गई है और अपने घमंड में चूर कहीं सत्ता पर बैठी हुई है। तो ऐसी सरकार के खिलाफ शिवसेना उतरी है किसानों के समर्थन में। हम आज एक ज्ञापन भी राष्ट्रपति के नाम सौंप रहे हैं कि ताकि राष्ट्रपति महोदय संज्ञान लें कि देश का किसान आज सड़क पर है खेत छोड़कर। जिसे खेत में काम करना चाहिए था वो सड़कों पर धरने दिए बैठा है। तो राष्ट्रपति महोदय का जिम्मेदारी है कि वो सरकार को आगाह करें, सरकार को आदेशित करें कि जितने भी धरने चल रहे हैं किसानों की मांगों को मानते हुए उन धरनों को समाप्त किया जाए। ये मांग लेकर हम आज राष्ट्रपति साहब को ज्ञापन सौंप रहे हैं और साथ ही किसान जो भी धरने पर किसान जहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ शिवसेना ने अपना समर्थन किसानों को दिया है। क्या नाम है? धर्मेंद्र तोमर, शिवसेना प्रदेश महासचिव। आज यहाँ मुंडा पांडे टोल प्लाजा पर शिवसेना के द्वारा ये एक ज्ञापन सौंपा गया है जो कि महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित है और उनके द्वारा भी अपनी किसानों द्वारा जो यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है उसके सपोर्ट में ये ज्ञापन दिया है और कुछ मांगे जैसे डीजल की जो प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं वो सब इन्होंने इसमें लिखी है और जल्द से जल्द किसानों की जो समस्याएं हैं उन पर निर्णय लेने का उन्होंने ज्ञापन